कि इस साल जब से आर्मी पुलिस ने मिलकर एक हम लोग मिशन पर चले थे कि जो नए रिक्रूट मेंटेनेंस है, टेररिस्ट है, उग्रवादी, उसको मौका दिया जाए मिनिस्ट्री में आ जाए, पर और उसमें इनिशियल मंथ में काफ़ी सपोर्ट मिला पब्लिक का, फैमिली का, इनकाउंटर साइट में, और जो टेररिस्ट बनने वाले थे पाइपलाइन में थे काफ़ी वापस आ गए, इससे काफ़ी पाकिस्तान के जो हैंडलर है काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए। उसके बाद आप देखे होंगे कि टूरिस्ट भी काफ़ी यहाँ पर आना शुरू हो गया, काफ़ी लोग आए, काफ़ी डिग्निटी आते रहे हैं, मोर देन 300 MP लोग यहाँ विजिट कर चुके हैं, काफ़ी ऑनरेबल मिनिस्टर्स विजिट कर रहे हैं, काफ़ी दूसरे स्टेट के काफ़ी लोग आए हैं। इन और जो गिलानी का रिसेंटली डेथ हुआ है उसमें लोगों ने जो मजबूत दिखाया, जो पीस ये दिखाया कि उसको पीस चाहिए उनको, क्यों पीस से ही डेवलपमेंट होता है। इन सारे फैक्ट्स के बाद पाकिस्तान के हैंडलर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए और ये पिछले कई महीने से फ्रस्ट्रेट होते आ रहे हैं पूरा। इसके चलते इन्होंने एक मॉडल सेमटी अपनाया, जो इनोसेंट सिविलियन है उनको पिस्टल से फायर करके मारा जाए। जो पुलिस वाले, आप लोग ट्रेंड देखे होंगे, इस साल जितना भी पुलिस पर अटैक हुआ सारे पुलिस वाले अनआर्म थे, या कोई छुट्टी पर था, क्या कोई ड्यूटी पर से बाहर जा रहा था, लेकिन बिना हथियार वाले पुलिस वाले पर अटैक करके मारा गया। और 85% इंसिडेंट में पिस्टल यूज किया गया है। पिस्टल को कैरी करना इजी होता है, कंसील करना इजी होता है, भी भाड़ में जाके अटैक करके भागना इजी होता है, इसलिए पाकिस्तान ने एक मॉडल भी अपनाया है कि पिस्टल को यूज करके और एक किलिंग करके, इनोसेंट किलिंग करके, चाहे सिक्योरिटी फोर्स का आदमी हो, पुलिस का हो, सिविलियन हो, चाहे और कोई भी हो, इनोसेंट आदमी किसी को बताता है कि इन्फॉर्मर है, जबकि इन्फॉर्मर नहीं होता है, अपने क्राइम को लीगलाइज करने के, रेशनलाइज करने के बोलता है कि इन्फॉर्मर है, जबकि इन्फॉर्मर नहीं है, ये लोग अटैक किया जा रहा है। और आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगा, अभी तक इस साल जनवरी से लेकर अभी तक 23 सितंबर तक 97 पिस्टल आज के मिला दें तो 97 पिस्टल रिकवरी हुआ है। ये शो करता है कि पूरा पाकिस्तान का ये एजेंडा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पिस्टल को यहाँ पर पंप किया जाए, हैंड ग्रेनेड को पंप किया जाए। आप जितना भी देखते हैं कि हैंड ग्रेनेड थ्रो होता है सिविलियन पर, भीड़ भाड़ इलाके में उसमें काफ़ी सिविलियन भी जख्मी हुए हैं। तो ये इनका मोर्चाबंदी है, यहाँ पर आतंक का एक वातावरण, एक फेयर, एक इन्वायरमेंट पैदा किया जाए जिससे कि टूरिस्ट नहीं आ सके, यहाँ के लोगों को खुशहाली देखना नहीं चाहते, इनका एजेंडा है, इस एजेंडा के तहत ऐसा कर रहा है। Yeah, okay, we can form the media fraternity. I will go through a process today in which I will make a brief opening remark. And thereafter, from the forward area, CEO of the battalion who was involved in the operation today in the morning will give a brief overview of the operations. And thereafter, I will hand over for certain implications. What has happened in the due to the kind of operation which has happened today to IGP to given the rationale for why all this action is taking place. To start with, I must tell you all that today morning in the early hours of the morning in Hatlanga forest there was a movement observed for an interpretation bit in a very short brief operation. This attempt was eliminated by alert troops along the line of control. You're also well aware that on 18th, a similar attempt was made in the hours of darkness, and over a period of about 3 days, during this operation, it was revealed or rather confirmed that that attempt for infiltration was foiled. So in just last about 1 week's time, we've had one attempt which has been foiled and one that has been eliminated. To give you a proper overview of this entire operation, I'll take you through the video link to the CO of the battalion who's conducting this operation onto the screen which is on my left. We had been receiving various inputs about Pakistan's attempt to carry out infiltration on line of control. Necessary countermeasures on the line of control had been taken, which included enhancing surveillance and carry out some precautionary deployment. On the morning of 23rd September, that is today morning, early hours,
at around 0600 hours, our troops deployed on line of control spotted three individuals crossing over to own side of line of control, followed by two more which were slightly behind. On being challenged, there was a firefight in which three terrorists have been neutralized, and the recoveries from them as follows: 5 AK series rifles, 7 pistols, 1 revolver, 5 AK series magazines, 24 UBGL grenades, 38 Chinese grenades, 7 Pakistani hand grenades, Rs. 35,000 Indian currency, Rs. 10,300 Pakistani currency, and some eatables. Thank you.